वही उधमसिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह ने रुद्रपुर के इंदिरा चौक स्थित पुराने अस्पताल में जिला चिकित्सालय बनाने को लेकर निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों के साथ पुराने चिकित्सालय का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय बनाने के लिए इससे उपयुक्त जगह और कहीं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुराना चिकित्सालय शहर के बीचों बीच है और बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के नजदीक भी है और सभी के लिए सुविधाजनक है। डीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि पुराने चिकित्सालय में 13 एकड़ भूमि है जो जिला चिकित्सालय बनाने के लिए पर्याप्त है, जिसके अलग अलग ब्लॉक होंगे। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के लिए जमीन काफ़ी दिनों से तलाशी जा रही है और देखा गया कि उपयुक्त सुटेबल लैंड कहीं मिल नहीं पा रही थी। हमने पूरा सर्वे कराया था और PWD कैंपस, हेल्थ चिकित्सा विभाग का, और ये पाया कि 13 एकड़ जमीन है जिसमें हेल्थ विभाग के, होम्योपैथिक के तमाम ऐसे अव्यवस्थित ढंग से कुछ पुराने कंस्ट्रक्शन हैं जो निष्प्रयोज हो गए हैं, कुछ में लोग रहते हैं, कुछ पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक है, लेकिन काफ़ी बड़ी ज़मीन है। 13 एकड़ ज़मीन शहर में हो, इम्पोर्टेंट इलाके में हो और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए उपयुक्त लैंड तलाशने में समय जाया हो और ज़मीन उपयुक्त न मिल पाए, तो मैंने इसीलिए आज निरीक्षण किया कि क्या यहाँ पर ही हम नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस के। तो मैंने देखा और काफ़ी कुछ ठीक लगा, तो मैंने उसका एक डिटेल ड्राइंग बनवाने के लिए, लेआउट बनवाने के लिए निर्देश दिया है हेल्थ के CMO साहब को और अपने ADM साहब जो थे मौके पर, और उसको बना करके शासन को भेजेंगे और अनुरोध यही करेंगे कि इसी ज़मीन में जो खाली लैंड है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया जाए, जो और खाली पैच पड़े हुए हैं वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए, रेजिडेंशियल प्लस जो भवन ध्वस्त हो गए हैं या पुराने हो गए हैं उनको ध्वस्तीकरण करा के उसका भी उपयोग किया जाए लैंड का। तो ये पूरा प्लान था, इसी में मैं आज पूरी टीम के अपने अधिकारी